इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप जो है वीवो के मोबाइल फोन में रिसेंटली डिलीटेड वाला सेटिंग कैसे ऑन कर सकते हैं और इसे ऑन करने से क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सेटिंग को ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा। तो देखिए उस सेटिंग को ऑन कर देने के बाद ये होगा कि जब आप अपने फ़ोन से कोई भी फोटो या फिर वीडियो डिलीट करेंगे तो दोस्तों आप चाहे तो डिलीट करने के 30 दिनों तक आप उस फोटो वीडियो को वापस ला सकते हैं अगर आप जो है रिसेंटली डिलीटेड वाला सेटिंग ऑन कर देंगे तो। तो देखिए कैसे ऑन करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने जो है वीवो मोबाइल फोन के सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर नीचे आना है। तो नीचे आने पर आपको एक सिस्टम ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सिस्टम ऐप सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन एंड परमिशन का। तो अगर आपको सिस्टम ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तब आप जो है उस पर क्लिक करके उसमें चले जाइए, और अगर आपको एप्लीकेशन एंड परमिशन का ऑप्शन मिलता है तब आप इस पर क्लिक करिए। फिर इसमें आपको यह सिस्टम ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जब आप सिस्टम ऐप सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, तो इसमें आपको जो है एक एल्बम के नाम से देखने को मिल जाएगा ऐप। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों देखिए यहां पर ये एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसेंटली डिलीटेड का। तो यहां पर नीचे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा डिलीट इमेज एंड वीडियो विल बी डिस्प्लेड इन रिसेंटली डिलीटेड, मतलब आप अपने जो भी फोटो या वीडियो डिलीट करेंगे तो दोस्तों वो जो है आपको 30 दिनों तक रिसेंटली डिलीटेड में दिखता रहेगा। अब देखिए इसे ऑन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आप अपने फोन में कोई भी फोटो वीडियो डिलीट कर देंगे तो वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको जो है जब आप अपने वीवो मोबाइल फोन के एल्बम वाले एप्लीकेशन में जाएंगे, आप देख सकते हैं ये एल्बम वाला एप्लीकेशन है। तो जब आप इसमें जाएंगे और इसमें जाकर दोस्तों देखिए जब आप यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो भी फोटो वीडियो डिलीट करेंगे तो वो जो है आपको यहाँ इस फाइल में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वीवो के मोबाइल फोन में रिसेंटली डिलीटेड को ऑन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।